तो इमरान साहब बहुत बहुत आपका इस्तकबाल। थैंक यू कि आप यहाँ आए। लड़कियां इतनी खुश हैं आज देख। थैंक यू। ये बताइए कि एक बड़े अच्छे फैमिली मैन है आप, बड़े पारिवारिक पुरुष हैं, तो ये घर पे जाके प्रॉब्लम नहीं होती जब इतनी लड़कियां यूं खड़ी रहती हैं स्वागत में? जैसे पहले होता था ना, कोई स्वागत में आता था लोग बाहें फैलाए खड़े रहते थे। आप अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिनके लिए लोग मुंह आगे कर रहे थे। नहीं, ये क्या है ना कि एक जो छवि बन चुकी है मेरी, इमेज जो है सीरियल किसर की, वो थोड़ी घर पे मुझे बहुत प्रॉब्लम देती है। जो हमारी बीवी है, 15 साल से झेल रहा हूँ कि मुझे जब भी मैं किस करता हूँ ऑन स्क्रीन, जूते घर पे पड़ते हैं। तो मेरा एक डील हो गया है मेरी वाइफ के साथ कि जब भी मैं किस करता हूँ तो उनको मैं एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ और मैं उनको वेकेशन के लिए लेके जाता हूँ। अभी क्या है वो घर पे जो कबर्ड है जिसमें हैंडबैग्स हैं, वो कबर्ड टूट चुका है। क्योंकि तो थोड़े सीन कम कर दो भाई। अभी सीन कम कर दिया है ना। तो पहली फिल्म से मॉडर्न में जो मैंने 10 किसेस किए थे, अभी इस फिल्म में हमने एक किए किस किए, तो उसमें आई थिंक एक तरह से एक प्रोग्रेस कहूंगा। तो मतलब एक इस बार हाँ। शनेल गया, एक शनेल का बैग गया। नहीं, वो सिर्फ 10 किस का होता है। एक एक किस का अभी एक अभी चल रहा है सेटिंग, ठीक हो गए वाइफ के साथ। तो हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इनका खर्चा बचाया। बात मुझे यहाँ कन्फेस करनी होगी दर्शकों को भी कि आप एक ऐसे अभिनेता हैं जिसकी चर्चा दूसरे कारणों से हुई, लेकिन अगर आप बाय एंड लार्ज आपके पीछे फिल्में मुड़ के देखो तो मेरे ख्याल से कम ही लोगों ने इतने अलग रंग के और इतने चैलेंजिंग रोल किए हैं। मतलब बाकायदा उस रोल में एक आदमी जिसको उसका जो पैशन है किसी लड़की के लिए वो आगे लेके आ रहा है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, लेकिन उसकी जो मॉरलिटी वो पीछे खींच रही है और उस कश्मकश को, जनरली हिंदुस्तान में ऐसे रोल कम होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं सीधे सीधे, तो सबसे यादगार रोल क्या रहा इस कैरियर तक आज तक? आई थिंक मेरी, पता नहीं यहाँ पे किसने ये फिल्म देखी है, लेकिन शंघाई। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो एक पूरा मोल्ड था मेरा, वो छवि जो पहले से बन चुकी थी मेरी, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। एक जो सीरियल किसर का जो इम्प्रेशन लग जाता है, और लोग चाहते हैं कि, और इंडस्ट्री भी चाहती है कि जब फिल्म, एक तरह की फिल्में जो चलती हैं वही बार बार उसको दोहराना, वो यहाँ पे एक तरह से नियम बन जाता है, लेकिन उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शंघाई एक ऐसी फिल्म थी जो एक लोगों का परसेप्शन बहुत एक तरह से बदला। अच्छी फिल्म थी, हम सब ने देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी।